नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट करो पे। तो फिर से हाजिर हुई हूँ न्यू लोकेशन न्यू प्रॉपर्टी के साथ। आज मैं आपको लेके आई हूँ मोहाली के अंदर। मैं आपको लोकेशन बताती हूँ इसकी, 125 हमारा ये सेक्टर रहने वाला है। आज मैं आपको CBHK के हॉन्टोर की तरफ लेके आई हूँ, जो हमारा डुप्लेक्स विला रहने वाला है। काफी शानदार हमारा डुप्लेक्स विला रहने वाला है। आपको मैं इसकी जो है कनेक्टिविटी बता देती हूँ, काफी प्राइम कनेक्टिविटी है। आपका जो है चंडीगढ़ यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पे है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपके 15 मिनट की ड्राइव पे है। नियर बाय में आपके स्कूल आ जाते हैं, प्रॉपर गेटर सोसाइटी रहेगी आपकी, हर फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो है नॉर्थ फेसिंग आपका ये विला रहने वाला है। तो एलिवेशन चेक कर लीजिए दोस्तों, तो कुछ इस तरह का हमारा ये एलिवेशन रहने वाला है। आपको अंदर ले जाने से पहले मैं बताना चाहूंगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द ऑल्सो बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब मैं आपको विला के अंदर लेके चलती हूँ। ये रहेगी आपकी मेन एंट्री, फिलहाल यहाँ से एंटर कर लेते हैं। यहाँ से आपकी गाड़ी अंदर के लिए पार्क हो जाएगी, आपको गेट प्रोवाइड किया जा रहा है, स्लाइडिंग डोर के साथ आपको गेट दिया जा रहा है। ये रहेगी आपकी पार्किंग गाइस, यहाँ पे आप जो है 3 आराम से गाड़ियां पार्क कर सकते हो, 3 गाड़ियों के आपको स्पेस दिया जा रहा है, तो पार्किंग का इशू खत्म। तो आइए अब ये आ जाता है आपकी डाउन सीलिंग। डिजाइन देखिए दोस्तों, काफी ब्यूटीफुल इसका डिजाइन रहने वाला है। और ये रहेगी मेन एंट्री। तो दोस्तों पहले इसका डिजाइन देखिए, वुडन की फिनिशिंग के साथ डिजाइन दिया जा रहा है, जो देखने में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें जो लाइट लग रही है तो लुक ही चेंज हो रही है, तो काफी ब्यूटीफुल है। आपको 2 डोर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये आपका मैश डोर रहेगा, और ये आपको यहाँ पे दूसरा डोर रहेगा, आपको स्मार्ट लॉक दिया जा रहा है। आपका जो पूरा ये विला रहने वाला है, ये 140 गज में रहने वाला है। तो आइए एंटर करते ही आपका जो है डाइनिंग ड्राइंग एरिया जाता है, ये आ जाता है आपका ड्राइंग एरिया। देखिए काफी स्पेशियस है, मतलब इतना लग्जूरियस लग रहा है देखने में। इस तरह का हमारा है, यहाँ पे आप 6-7-8 सीटर आप इस तरह से लगा सकते हो। ये आपकी विंडो रहेगी, वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की जा रही है। आप डाउन सीलिंग देख लीजिए दोस्तों, ये आपकी डाउन सीलिंग रहेगी। यहाँ पे आपको पार्टीशन के साथ आपको वुडन का वर्क मिल जाता है, एक थोड़ी सी आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है। और आपका डिजाइन देख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी आप लगा सकते हो, और जिससे काफी ब्यूटीफुल लगेगा। और ये लाइट्स देखिए, तो लाइट्स भी काफी ब्यूटीफुल लग रही है। यह जाता है आपका डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप 6 सीटर लगा सकते हो, आपको काफी स्पेस दिया जा रहा है। और ये रहेगा यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए दिया जा रहा है, आपके सिलेंडर कुछ भी एक्स्ट्रा सामान हो तो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। अब यह आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है, डिजाइन के साथ आपको डाउन सीलिंग आ जाती है। यह आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, जो कि बहुत अच्छा होता है हमारे घर में। इससे मतलब थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है, जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो अलग से जो है वॉशरूम वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि रूम में थोड़ा सा दिक्कत ना आए। अब चलते हैं हम जो हमारे घर का बेस्ट पार्ट रहता है, वो हमारा मॉड्यूलर किचन। ये एंट्री रहेगी, लैंप्स देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह के लैंप्स रहने वाले हैं। ये रहेगा आपका किचन, इसमें आपके 2 सिंक रहेंगे, 2 सिंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आपके कैबिनेट्स आ जाते हैं, आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो। ये डाउन सीलिंग आ जाती है, और ये आपके नीचे के ड्रॉज आते हैं, सॉफ्ट क्लोजर के साथ दिए जा रहा है। पैंट्री दी जा रही है आपको, काफी ज्यादा स्टोरेज दी जा रही है कि सामान आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे फ्रिज का स्पेस आ जाता है, आपको टाइल्स देख लीजिए, ग्लॉसी आपकी टाइल्स रहने वाली है, तो काफी अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। अब चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये रहने वाला है दोस्तों आपका फर्स्ट बेडरूम। पहले आप डाउन सीलिंग देख लीजिए, आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है विद कंसील लाइट के साथ। यहाँ पे आप
अगर अपना बेड स्टोर लगाते हो यहाँ पे किंग साइज का बेड, फिर भी देख लीजिए काफी स्पेस दिया जा रहा है। LED पैनल का स्पेस आ जाता है। स्टडी टेबल लगा लीजिए अंदर या सोफा लगा सकते हो, वहाँ पे डिपेंड करता है। ये रहेगी आपके कवर्स, देखिए दोस्तों कितने खुले डुले आपको कवर्स दिए जा रहे हैं। ये अलग से बॉक्स दिए जा रहे हैं, सामान स्टोर कर सकते हो, ज्वेलरी होती है लेडीज की, गोल्ड वोल्ड आराम से स्टोर कर सकते हो। ये आपका ड्रेसिंग एरिया जाता है, यहाँ पे मेकअप के सामान के लिए आ जाता है आपका। तो काफी अच्छे से इस रूम को मेंटेन किया गया है, आप देख सकते हो। अटैच इसमें आपका वॉशरूम आ जाता है, ये रहेगा आपका काफी खुला डुला आपका वॉशरूम रहेगा। इसमें व्हाइट थीम दी जा रही है टाइल्स की, पूरी इसमें आपको फिटिंग लगा के दी जा रही है, सीधा की इसमें आपकी फिटिंग रहने वाली है। अलग से दिया जा रहा है, आप देख लीजिए जिस तरह का हमारा ये वॉशरूम रहेगा। रूम के साथ ही जो है आपका वॉशिंग एरिया जाता है, ये आपका दोस्तों वॉशिंग एरिया जाता है। तो हमारे जो है जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा डाइनिंग ड्राइंग एरिया जाता है, एक हमारा बेडरूम आ जाता है, मॉड्यूलर किचन आ जाती है, कॉमन वॉशरूम आ जाता है। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये रहेगी फर्स्ट फ्लोर की एंट्री और ये डिजाइन देख लीजिए, वॉल डिजाइन, और आप झूमर चेक कीजिए। वाओ कितना बड़ा झूमर दिया जा रहा है जो कि घर की लुक ही चेंज कर रहा है। दोस्तों ये रहेगा आपका झूमर, आइए मेरे साथ। ये पहुंच चुके हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर में आपका थोड़ा छोटा सा फैमिली लाउंज एरिया जाता है, सामने आपका LED पैनल का स्पेस आ जाता है, यहाँ पे LED लगा सकते हो आराम से, काफी बड़ा आपको स्पेस दिया जा रहा है यहाँ पे। इसके सामने ही आपका आ जाता है झूमर दोस्तों, तो जिस जो है लुक ही चेंज कर देता है। आप झूमर का वाला लुक देखिए, काफी ब्यूटीफुल लुक लग रही है। अब चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। ये आता है आपका सेकेंड बेडरूम, इसमें भी अगेन आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है, काफी स्पेस भी आ जाता है आपका, और ये आपके कवर्स आते हैं स्लाइडिंग डोर के साथ, कवर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप देखिए काफी ज्यादा सामान आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अटैच इसमें आपको वॉशरूम प्रोवाइड किया जा रहा है, वॉशरूम में भी आपको सारी फिटिंग लगा के दी जाएगी। टाइल्स का टॉप तक वर्क किया गया है ताकि टाइल्स गिरे ना या मतलब स्लैब स्लूप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये था आपका वॉशरूम। वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की जा रही है, देखते हैं दोस्तों घर के अंदर ही धूप आ गया, इससे मजेदार वाली चीज और क्या ही हो सकती है। अब हम चलते हैं लास्ट बेडरूम की तरफ, जो रहने वाला है हमारा थर्ड बेडरूम। तो ये है दोस्तों थर्ड बेडरूम, ये आ जाती है आपकी डाउन सीलिंग विद कंसीलर के साथ, दो लाइट्स है तो कितनी अच्छी लुक दे रही है, आप देख चेक कर लीजिए। आपको हर रूम में जो है इसी की फिटिंग लगा के दी जाएगी, आपको तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किया जाती है आपकी विंडो वेंटिलेशन के लिए, काफी स्पेस दिया जा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा अंदर आके आपका ड्रेसिंग एरिया जाता है दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा मिरर, जो कि लड़कों के लिए तो काफी मजेदार होता है कि लड़कों को चाहिए चलता है मिरर। तो देखिए आप आराम से मेकअप कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो यहाँ पे, और ये आपके कवर्स आ जाते हैं अपना सामान स्टोर करने के लिए। अटैच इसमें आपको वॉशरूम दिया जा रहा है, टाइल्स देख लीजिए इसकी ब्यूटीफुल इसकी टाइल्स है, टॉप तक वर्क किया गया है, डाउन सीलिंग आ जाती है, सारी इसमें आपको फिटिंग लगा के दी जाती है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी, तो आइए ये थर्ड बेडरूम से आपकी अटैच बालकनी है, ये आपकी बालकनी आ जाती है, रनिंग आपकी बालकनी रहने वाली है, आप चेक कर लीजिए इतना रनिंग आपकी बालकनी रहेगी, बाहर का व्यू आ जाता है, जैसे मैंने आपको कहा प्रॉपर गेटर सोसाइटी रहने वाली है, ऑलरेडी यहाँ पे सारी फैमिलीज रह रही है, तो काफी प्राइम जगह पे जो है हमारी ये लोकेशन रहने वाली है। तो ये रहेगी हमारी बालकनी, आप शाम यहाँ पे आप प्लांट्स भी लगा सकते हो, तो बालकनी की लुक ही चेंज हो जाएगी। तो जिस तरह की हमारी ये बालकनी रहने वाली है दोस्तों, और ये रहेगी आपकी यहाँ से बैक टेरेस के लिए, आपका आ जाता है यहाँ से स्ट्रेस जा रही है आपके बैक टेरेस के लिए, धूप प्रॉपर आ रही है आपके घर में। ये आ जाता है आपका बैक टेरेस, जमीन आपकी टेरेस आपका, वाओ दोस्तों। तो ये टेरेस आ जाता है यहाँ पे, आप फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर सकते हो दोस्तों,
बाकी आप प्लांट्स लगाना चाहोगे वो भी लगा सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा 3BHK का डुप्लेक्स विला, आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कोई भी इंक्वायरी हो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। तो मिलते हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर से अगेन गैरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली नई नई वीडियो हमारी देख पाओगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।